तो ये देख रहे हो भाई, जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ ये पूरी रोड गायब हो गई। देखो पूरी रोड गायब हो रही नीचे की। तो सामने जो रोड देख रहे हो ये पूरी नदी में समा गई। अब यहाँ से जो आप लोग तो शहरों में रहते हो, आप सोचते हो कि नॉर्मल लाइफ है यहाँ पहाड़ वालों की, भाई बहुत डेंजर लाइफ है पहाड़ वालों की, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो बरसातों में ज़्यादा, और भाई लाइक ज़रूर करना, और यार चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, पर कोई नहीं भाई, मैं कभी चीज़ का ना वो नहीं मानता कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तुम्हारा तो बुरा हो जाएगा। भाई बुरा कुछ नहीं होता, तुम्हारे कर्मों में होता है जो बुरा होना होता है ना, अगर तुम अपने कर्म सही रखते हो। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक और नए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए पहाड़ों की तरफ, जो कि मेरे दोस्त लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो फटाफट से चलते हैं, सामने तुम्हारे भाई की गली में आगे बाहर डोमिनार लगी है। तो फाइनली गाइस मैं निकल चुका हूँ घर से, और मैं जा रहा हूँ तेल भराने के लिए गाड़ी में, क्योंकि मेरी गाड़ी में तेल नहीं है, और दोस्त के लिए भी तेल लेके जाना है। ऊपर पहाड़ों में रहता है वो, तो उसके पास भी तेल नहीं है। तो ये चेक करो गाइस, हमारा शिवू भाई आ चुका है सामने। शिवू भाई कैसे हो आप, बढ़िया हो? और ये देखो गाइस, डब्बे का भी जुगाड़ हो चुका है। अभी हमारा एक भाई दुगड्डा में है, तो वहाँ दुगड्डा के पेट्रोल पंप में तेल नहीं है, तो उसके लिए तेल लेके जाना है। तो ये निकाल लिया मैंने विनेगर का डब्बा अपनी दुकान से, तुम्हारे भाई की दुकान ये सामने है। तो भाई फटाफट से चलता हूँ मैं, इसको लेके इसमें तेल वेल भराते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे। तो भाई ये देखो जुगाड़ हो रहा है बहुत तगड़ा वाला, और इसमें भरा जा रहा है पेट्रोल, ये जाएगा सीधे दुगड्डा। और ये अपना भाई मैडी, मैडी फुल भरते यार इसे, आज फ्री में भरते, पैसे भी देने इसके, पैसे भी देने ना यार, आज मत ले यार पैसे, बस 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 भाई इतना बहुत है, ये तो छलकेगा फिर ऊपर जाके, पैसे तो ज़्यादा चाहिए होते, पैसे ज़्यादा चाहिए होते, ठीक है। तो भाई अब इसमें भी तेल भराते हैं, तो मिलते हैं आपसे फिर आगे। तो भाई निकलने की तैयारी हो चुके हैं, बैग के अंदर डाल दिया मैंने अपना ये केन जरकेन जिसके अंदर पेट्रोल है। बस दिक्कत इस बात की है पेट्रोल खुले ना, वरना मेरे अंदर गंदी गंद हो जाएगी। तो भाई निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, मिलते हैं आपको आगे। तो भाई छोटे भाई का फ़ोन आ गया था, इस कारण मैं रुक गया। तो आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है पुलिस की कुछ, यहाँ यार वन विभाग है शायद, हाँ वन विभाग की टीम है ये जो हटा रही है सबको। और भाई ये लोंडे लोग अपने ये सामने खड़े, चलो कौन, वन विभाग है, मैं सोचा पुलिस है, क्या हो गया? गया कहाँ हूँ? तो भाई अभी जो कुछ दिन पहले यहाँ तबाही हुई थी ना हमारे शहर में, जो बादल वगैरह फटे थे, तो वो उसका जो सीन है, उसका जो मंजर है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, जैसे ही मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा उसके बाद मैं दिखाऊँगा कि कैसे रोड और नदी का लेवल जो नीचे गहरी थी नदी, और वहाँ मलबा भर चुका है, तो मतलब बराबर हो चुका है, तो वो भी दिखाऊँगा आपको मैं। और तो आप भाई बने रहना मेरे ब्लॉग में, कहीं मत जाना, स्किप मत करना ब्लॉग को बिल्कुल भी। तो भाई लोग ये चेक करो, इस तरीके की तबाही हुई थी कुछ दिन पहले हमारे शहर में, आज से 6-7 दिन पहले बादल फटा था और कुछ जगह रोडें वगैरह टूटी थी। तो भाई इस तरीके का कुछ सीन है, देखो ये है, ये देखो पूरी रोड ही गायब हो रही नीचे की। तो सामने जो रोड देख रहे हो ये पूरी नदी में समा गई। अब यहाँ से जो है फोर व्हीलर जाना बंद हो गया, जो बड़ी गाड़ी थी ट्रक वगैरह, तो यहाँ से आगे पौड़ी के लिए और सतपुली के लिए माल सप्लाई होता था गाड़ी में, तो वो आजकल बंद हो रखा है, क्योंकि यार रोड इतनी छोटी, अगर बड़ा हैवी ट्रक चलेगा तो रोड और धसेगी नीचे जाएगी, इसलिए यहाँ पुस्ता रखा जा रहा है। तो ये देखो कुछ इस तरीके का मलबा, यहाँ देखो इस तरीके का रखा, और ये टूटा है जो ऊपर पहाड़ से टूट के आ रखा, देखो नीचे और सीधे नदी में समाया है नीचे। और सीन देखो कितना डरावना है ऊपर का, देख रहे हो भाई बादल बहुत खतरनाक, मतलब 4-5-6 बादल एक साथ ही फटे, वो भी एक दिन में, तो हर जगह से जो वाटरफॉल बन चुके हैं बुरी तरह से जिसको बोलते हैं। तो भाई अभी आगे भी दिखाऊंगा आपको। और भाई अगर दूसरा तबाही का सीन देखना तो कुछ इस तरीके का देखो, ये सामने की पूरी रोड गायब हो रही है भाई नीचे, देख रहे हो पूरी रोड गायब हो रही है सामने की, और इधर साइड की भी एक तरफ की पूरी रोड गायब हो रही है। पानी ने जो है बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, देखो इतने बड़े बड़े पत्थर जो यहाँ आ रखे हैं ये सब इससे निकाले गए हैं, और इस तरफ की भी पूरी एक जगह यहाँ पे वो था ना डिवाइडर टाइप का, तो ये भी पूरा नीचे जा रहा है, नीचे पानी ने पूरा खत्म कर रखा है इस जगह का सीन। तो भाई आगे इससे भी ज़्यादा डरावना सीन है, तो मैं आपको दिखाऊंगा,
तो भाई बने रहना ऐसे मेरे ब्लॉग में। तो मिलते हैं भाई आपसे आगे सीधे। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे कुछ टाइम पहले ना बहुत ऊंचा पहाड़ लग रखा था ये भी इस चीज़ का। तो अब क्या है, इन्होंने जेसीबी वगैरह से हटा रहे, सामने देखो इस तरीके का सैलाब आ रखा था। देख रहे हो कितने बड़े बड़े पत्थर है यहाँ, कितने बड़े बड़े ये पेड़ वगैरह है, ये सब आ रखे थे। ये मतलब इतना ऊपर हाइट में जा रखा था ना, इसको अभी ये निकाला गया। देखो ऊपर से देखो कितना भयंकर सीन हुआ। यहाँ बादल फटने के बाद जो सीन होता ना, ऐसा होता है पहाड़ों में। तो आप लोग तो शहरों में रहते हो, आप सोचते हो कि नॉर्मल लाइफ है यहाँ पहाड़ वालों की, भाई बहुत डेंजर लाइफ है पहाड़ वालों की, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो बरसातों में ज़्यादा दिक्कत आती है पहाड़ों में। तुम्हारे यहाँ तो शहरों में पानी भरता हुआ, यहाँ पानी नहीं भरता भाई। तो आप देखो थोड़ा रुक के दिखाता हूँ, ऊपर देखो कितना भयंकर फटा पड़ा। देखो ऊपर से देख रहे हो सीन, इतना भयंकर फैलाव आ रहा है नीचे पूरा। और ये देखो जो मैं बता रहा था समतल, ये नीचे नदी हुआ करती थी, तो ये नदी जो है यहाँ पूरी सपाट हो गई। देख रहे हो सीन, तो ये इतनी ऊपर लेयर आ चुकी थी यहाँ पे। तो भाई इतना भयंकर सीन था यहाँ पे का। थोड़ा आगे जाके और ख़तरनाक सीन दिखाऊंगा आपको। तो भाई ऐसे ही बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो देखो भाई लोग कितने जगह पे यहाँ पे डैमेज हो रखा है हमारे पहाड़ को। तो एक बादल इधर भी फटा था, तो उसके कारण क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा से चट्टाने वगैरह पत्थर वगैरह, कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे। देखो एक ही पत्थर सामने देख रहे हो, ये वाले पत्थर हो गए, ये सामने हो गए, ऊपर चट्टान देखो। तो जब भाई यहाँ सैलाब आता ना, तो ऐसे ही आता कुछ इस तरह के ख़तरनाक सा सैलाब आता है। और देखो ऊपर का सीन देखो भाई, कितना डरावना लग रहा है। और ऊपर से पत्थर गिरते हैं यहाँ ऊपर से, जो मस्से में अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो कुछ इस तरीके का सीन है ऊपर का, ठीक है। तो भाई इस तरीके का सीन आगे भी और जगह, दो चार जगह और भी है, तो वहाँ भी ले चलता हूँ मैं आपको। तो भाई बने रहना इसी चैनल पे। तो मिलता हूँ फिर आपसे आगे। तो ये देख रहे हो भाई, जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ ये पूरी रोड गायब हो गई, तो इसलिए यहाँ पर बड़ी गाड़ी चलना बंद हो गई। देखो ये देखो पीछे, देखो पीछे दिखाता हूँ आपको। देखो ये रोड, ये सामने वाली ना रोड ही गायब हो गई पूरी, ये रोड जरा सी रह गई गली के बराबर। और सामने खाई देखो कितनी भयंकर हो गई। इस तरीके का डैमेज होता है जब पहाड़ में कुछ बादल वगैरह फटते ना, तो इस तरीके से डैमेज होता है यहाँ। पहाड़ की लाइफ इतनी आसान नहीं है भाई। तो देखो भाई लोग कितनी जगह मलबा आ रखा है। देखो ये भी कुछ इस तरीके का सीन बन रखा है यहाँ का। देखो चट्टाने देखो अभी अटक रखी है, बस हल्की सी एक बरसात और आनी है, ये चट्टाने भी नीचे आ जाएगी रोड पर भाई। चट्टाने नीचे तो है, पर उस टाइम किसी की गाड़ी ना रहे, बस ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ किसी को नुकसान ना हो। बाकी देखो ऑफ रोड हो रखा है हमारे उत्तराखंड में बहुत तगड़ा। ऑफ रोड करने के मज़े भी अलग है गाड़ी के, तो वो ऑफ रोड भी अपना चल रहा है। और आज का दिन है संडे का, तो भाई इंजॉय तो बनता है, तो इस तरीके का इंजॉय भी लाइफ में चाहिए चाहिए अपने को। तो सामने देखो, ये देख रहे हो सामने, ये सब टूटा पड़ा है, सब उजड़ा पड़ा भाई। बादलों ने ऐसे कमाल मचा दिया इस बार हमारे कोटद्वार में, इतने बादल फटे भाई कुछ पूछो मत। ऊपर आ गया सामने गांव में आमसोड़, वहाँ के लोग भाई इतने डरे हुए थे, बोल रहे थे कि एक आध बादल इधर ना फट जाए हमारा गांव गायब हो जाएगा। और जो सामने मैंने पता किया, तो पोखाल में भी बादल फटा था, किसी के घर में 5 लोग थे, उनके बीच में से घर के बीच में से मलवा गया, घर पूरा वैसे ही साबुत रहा, बीच में से मलवा गया। और वो उन्होंने क्या, उस मलबे ने क्या करा, 5 लोग लेके चले गए अपने साथ ऑन स्पॉट। 5 लोग नींद में थे भाई रात के टाइम में, और वो मर गए दबाव। और कई जगह तो घर दब गए पोखाल में भाई, बहुत भयंकर स्थिति। जहाँ सोचा भी नहीं थी कि बादल फटना है या ऐसा कुछ होना है, तो वहाँ भी बादल फटा, चट्टान पूरी नीचे, तो लोगों के घर भी नीचे, लोग भी मर गए यार, इतनी बुरी स्थिति यार। तो ऐसे डेंजर जोन में रहते हैं हम पहाड़ी। और आप सोचते हो कि पहाड़ियों की लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है भाई, इंजॉय है प्रकृति से मिलना है, पर यार डर भी रहती है कि कभी कुछ हो गया। देखो एक ये भी है, देखो कितना बड़ा पत्थर आ रहा नीचे, ठीक है। देखो ऊपर देखो, यहाँ से गया वो पत्थर ऊपर से, तो ये अगर किसी की गाड़ी पे लग गया तो काम हो जाएगा उसका। तो भाई अब एक ये देखो ये सीन देख रहे हो किस तरीके का, यहाँ भी बहुत तगड़ा मलबा था। अब यहाँ से जो है गाड़ी मेरे को थोड़ी आराम से ले जानी पड़ेगी, मैंने फर्स्ट गियर में गाड़ी डाल दी और मैं हौले 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 गाड़ी ले जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि गाड़ी का अगर हल्का सी भी टायर फिसला पिछला या अगला, गाड़ी स्लिप मार सकती है। और जो मैं बात कर रहा था, देखो ये जैसे ग्रिल होती ना साइड की, ये बहा के पूरा नीचे ले जा रखी है साइड का भाई, बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है यार इस बार अपने उत्तराखंड। तो फिलहाल यार मैं पहुंचने वाला हूँ आमसोड़, तो मिलते हैं भाई फटाफट से। भाई को तेल देते हैं गाड़ी में डालने के लिए, और वो गाड़ी में अपना तेल डालेगा, फिर आगे चलेगी अपनी अपाची 310 RR अपने साथ। तो मिलते हैं भाई भाई से आगे। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ आमसोड़ में, और मैं अभी पहुँचने वाला हूँ अपने 310 RR वाले भाई के पास, जो कि हमारा छोटा भाई है आशीष। तो इसके चैनल का जो नाम है #rider है, तो इसके चैनल को भी जाके आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा एक ग्रुप, बहुत बढ़िया ग्रुप, एक पावरफुल ग्रुप बने, जिसमें कि हमें फिर आने वाले टाइम में आपको अच्छी अच्छी सी वीडियो, अच्छे अच्छे से कंटेंट दे।
तो भाई मिलते हैं भाई से फटाफट, भाई को ये तेल वगैरह देते हैं जिससे कि भाई अपनी गाड़ी में तेल डालेगा और फिर हमारे साथ आगे ग्रुप राइड में चलेगा। तो भाई कुछ डेंजर राइड और ख़तरनाक राइड होने वाली है आज हमारी, तो मिलते हैं भाई भाई के पास सीधे आपको। तो ये रही भाई अपने भाई की बाइक सामने खड़ी है 310RR, क्या हाल है। तो भाई आ गया अपना हैशटैग राइडर, क्या हाल है भाई। ले भाई तेल तेल वगैरह लेके आए, इसे डाल फटाफट और ले चल इसे हमारे साथ गाड़ी को। हाँ कुछ कुप्पी वगैरह होगी तेल की, उसको ले ले यार फटाफट डाल, फिर निकलते हैं। कंधा दर्द हो गया मेरे को उसको वहाँ से लाते लाते इसको। तो भैया पहाड़ों वाला फ्यूल अप हो रहा है अपनी गाड़ी पे, तो आराम आराम से डाल यार। तेरे तेल गिरा क्यों रहे, तो आप क्यों रहे कीमती, तभी गिरा रहा तेरे, आराम आराम से डाल। तो फटाफट से इसको फ्यूल अप करते, फिर मिलते भाई आपका आगे। चले निकले, तो चलो भाई फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। तो भाई ये आ चुका अपना छोटा भाई, तो और फटाफट से निकलते आगे क्योंकि आज जो है तबाही राइड होने वाली है कुछ, और भगाएंगे नहीं भाई क्योंकि यार आगे ना पहाड़ में रोडें टूट रही सब जगह, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा भी नुकसान हो और गाड़ी का भी नुकसान हो। तो प्यार प्यार से चलेंगे भाई लोग सबके सब। तो लो जी भाई लोग हम पहुँच चुके हैं माता के दरबार पर, माँ दुर्गा के। तो दुर्गा माँ के दर्शन करें आप, आशीर्वाद लें माता से कि आपके घर फैमिली सब कुशल मंगल रहे। तो माता के यहाँ जो है भी बादल फटा था कुछ दिन पहले इस तरफ, तो भाई बहुत तगड़ा वाटरफॉल बन चुका है यहाँ पे। तो वाटरफॉल के नज़ारे कुछ इस तरीके के भाई, दिखाता हूँ मैं आपको नीचे से खड़े होके। तो ये देखो सामने हर, ये तो चिकना हो रखा है एकदम, यहाँ पे खड़ा होना बेकार है भाई। तो वाटरफॉल कुछ इस तरीके का बन चुका है भाई, सामने देखो बड़े बड़े पत्थर से नीचे आ रहे हैं यहाँ पे। तो जो नज़ारा है बहुत प्यारा लग रहा है। तो भाई अभी थोड़ी देर के लिए रुके थे यहाँ पर, चलते हैं यहाँ से। सामने वाटरफॉल देखो, ये भी बहुत खतरनाक वाटरफॉल बन चुका है। तो भाई जैसे ही बादल फटते ना, जगह जगह वाटरफॉल बनने स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ उत्तराखंड में अपने। तो भाई ये देखो कुछ इस तरीके के नज़ारे, और ये भाई हमारा वीडियो शूट कर रहा है। सामने कुछ सीन हो गया मेरे को ऐसा सा लग रहा है भाई, क्योंकि गाड़ी ऐसे नहीं रुकती मैक्स वगैरह यहाँ पे। पत्थर देखो भाई कितना बड़ा पत्थर आ रखा है सामने ऊपर से, तो डर तो लगती है यार जब ऐसा कुछ सीन होता है। और यहाँ पे खड़ा होना भाई बहुत रिस्की है, सामने देख लो चट्टाने, ये चट्टाने नीचे आती है, तो यहाँ पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है भाई कई बार। तो फाइनली गाइस आई आ चुके हैं दुगड्डा, बस कुछ ही देर में पहुँचने वाले। तो ये सामने देखो आप दुगड्डा का पेट्रोल पम्प, ये आ गया सामने से, और कुछ लौंडे लोग इसलिए गाड़ी तेज भाग के ले गए क्योंकि ये सामने जो जा रहे हैं ये हवा भराने के लिए जा रहे हैं। तो भाई मिलना आगे, मिलना मेरे को आगे जाके, रुकेंगे हम सामने फिर भाई आपको आगे का व्यू दिखाते। और यहाँ पे तो एक कर्व है, और पीछे से जो है यहाँ पे तो थोड़ी स्पीड अप करते हैं। आज जो है राइड में मजा आ रहा है, पर ये गंद कहाँ से आ गई भाई, जानवर मर रखा है, छी यार गंद आ गई। वाटरफॉल देखो भाई दुगड्डा को कितना खतरनाक हो रखा है आज, फोटो खिंचाने के लिए रुकना क्या। कुछ दिन पहले भाई ये दुगड्डा की नदी जो थी ना बहुत ज्यादा भर के आ रही थी यहाँ, पर अब जो है नदी शांत हो गई। तो भाई लोग मैं पहुंच चुका हूं अभी दुगड्डा, और जो ये बसों का जाम देख रहे हो आप, ये इसलिए लग रुक चुकी है क्योंकि सामने जो मैंने आपको रोड दिखाई थी रोड टूटी हुई है बहुत बुरी तरह से, जिससे कि बड़ी गाड़ियां पास नहीं हो पा रही है, तो सारी गाड़ियां जो है ना यहीं पे रुक रही। जैसे ये सामने सीन देख रहे हो आप, तो भाई सीन कुछ इस तरीके का है यहाँ का भाई। जब तक ये पुस्ता वस्ता डालेंगे, रोड को चौड़ी करेंगे बढ़ाएंगे, तब उसके बाद ही यहाँ से बड़ी गाड़ी जा पाएगी। तो भाई लोग अब यहाँ से बाइक एक्सचेंज हो रही है, और हमारा भाई जो है हैशटैग राइडर मेरी बाइक चला रहा है, मैं उसके अपाचे चलाऊंगा 310RR, थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक का भी थोड़ा मज़ा लेते हैं। तो भाई अब कुछ चेंज मिल रहा होगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि अब मैंने स्पोर्ट्स बाइक पकड़ ली है जो कि फेयरिंग में है, तो अब इसको चला रहा हूँ मैं। इसके अंदर भी पावर भाई रॉ पावर है इसके अंदर 310R के अंदर, जो 310R वाला चलाने वाला होगा ना भाई उसको पता है। मुझे भी ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है यार, मैंने ली क्यों नहीं, मेरे को ना लॉन्ग टूर करने हैं, लॉन्ग टूर करते समय क्या है कि ये मेरी कमर दुखा देगी, तो इस चक्कर में मैंने इसको नहीं लिया, वरना लेना चाहता तो मैं इस टाइम इसको ही ले लेता जब मेरे को लेना होता। तो मैंने अपनी डोमिनार क्यों ली, क्योंकि मेरे को लॉन्ग ट्रिप जाना है, डोमिनार में लॉन्ग ट्रिप में इतना मज़ा आता ना भाई, एकदम इन्जॉय करके जाओ। इसमें क्या है, इसमें आपकी कमर दुख जाएगी, पर ये छोटा मतलब इधर उधर जाने के लिए ये गाड़ी बहुत बेस्ट है।
लोकल में भाई, इसमें एकदम लुक इतना मस्त आता है। ऊपर से जब इसके इस जगह पे फेयरिंग में एकदम शार्क वाला मुंह बनेगा ना भाई, अल्टीमेट है, अल्टीमेट जिसको बोलते हैं। तो ऐसे कुछ स्पोर्ट्स बाइक मैं चाह रहा हूँ। तो कुछ टाइम बाद क्या पता मैं, जब मेरा थोड़ा चैनल ग्रो हो जाए, आप लोग भाई लोग मुझे सपोर्ट करें, तो मैं क्या पता फेयरिंग बाइक भी लूँ उसके बाद। तो भाई इसलिए बोलता हूँ सबसे ज़्यादा वीडियो शेयर करना अपने भाई की, और सब जगह इस वीडियो को फैलाना और वीडियो उसको लाइक करना, और जितना ज़्यादा हो सके भाई हाथ जोड़ के आप लोगों से मैं विनती करता हूँ या जो भी करता हूँ। तो भाई चैनल को फैलाओ अपने भाई के, अपने भाई को भी बहुत आगे बढ़वाओ। तो भाई लोग पहाड़ों की राइड में जो मज़ा आता है वो मज़ा ही अलग है, और फेयरिंग बाइक पहाड़ों में मिल जाए उसके बाद लीडिंग में जो मज़ा है उसकी तो बात ही अलग है भाई। लीनिंग 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 चेक करो भाई, तो ये है गाइस हमारे यहाँ की मोटो जीवी रोड। होए ये तो पूरी रोड ही धस गई भाई। गाइस ये चेक करो यहाँ पे, ये पूरी रोड धस गई इस बार फिर से, कितना भयंकर यहाँ पे वो हुआ है सीन। पीछे की रोड देख रहे हो, ये रोड पूरी नीचे को बैठ चुकी है, और यहाँ से सीन का जो है बहुत खतरनाक हो रहा भाई। तो फटाफट यहाँ से चलते आगे, यहाँ का रोड का सीन देखो भाई कैसे धस गई भाई। इस तरीके का डेंजर खेल होता है उत्तराखंड में अपने पहाड़ों में भाई। कोहरा देखो अपने पहाड़ में, आए हाय गर्मियाँ चल रही है, कोई मान सकता है कि गर्मी हो रही है भाई। कोहरा देखो सामने यार, कितना प्यारा कोहरा हो रहा है, और भाई मैं हाफ टी शर्ट पे आ रखा हूँ और मैं कांप रहा हूँ यहाँ यार, यहाँ ठंड से भाई। मौसम देखो यार तुम, क्या अल्टीमेट हो रहा भाई, मजा आ गया। दिल्ली वालों देखो मौसम के नज़ारे भाई, नज़ारे देखो तुम यहाँ के, अभी के अल्टीमेट नज़ारे हो रखे, दिल खुश हो गया भाई कोहरे में आके। और अब इस कोहरे में मेरे को ना, और अब इस कोहरे में मेरे को चाय पीने का मन कर रहा है भाई, बहुत तगड़ा वाला चाय मिल जाए भाई मजा आ जाएगा भाई। अभी तो भाई जाड़ा स्टार्ट भी नहीं हुआ है यहाँ, अभी से कोहरा इतना तगड़ा है। और भाई इस जगह पे जो घूमने का मजा है ना, वो मज़ा तुम्हारा नवंबर दिसंबर जनवरी ऐसे टाइम पे आता पहाड़ों में घूमने का मज़ा, जब कोहरा रहे ठंड रहे भाई। राइड करने का जो असली मज़ा है ना, तुम पहाड़ों पे आओ राइड करने के लिए ठंड में, तुम्हें मज़ा ना आगे तो नाम बदल देना, कहाँ तुम पॉल्यूशन में राइड कर रहे हो दिल्ली के। तो भाई फटाफट से चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, मेरे को ठंडा बहुत ज़्यादा लग चुका है। तो भाई मिलते हैं आपसे आगे। और ऊपर से आज हमारे साथ एक ब्यूटी और है जो कि चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई मेरे को। तो मिलते हैं भाई आपसे आगे। तो भाई अभी अपने टी पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पे चाय वगैरह का ऑर्डर दे दिया फर्स्ट क्लास से, चाय पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे आगे। और अभी अपने भाई लोग, भाई चाय पीनी तुम्हें आज है, कौन सी वाली चाय पीनी है? मलाई कोफ्ता वाली, मलाई कोफ्ता वाली चाय पीनी है। और ये भाग क्यों रहा है कैमरा देख के, पहले ये बता दो है भाई भाग क्यों रहे तुम? यार एक बार बता दे तूने ये चश्मा क्यों लिया, मांस वाला छबी। तो भाई लोग आ चुके अपनी चाय, चाय कुछ इस तरीके की है देखो। आज इसमें मलाई कहाँ गई चाय में ये बताओ पहले, आज मलाई मिस कर दी भाई ने। तो भाई इस तरीके का व्यू, अरे भाई भाई ने छपरी वाला चश्मा पहन लिया, मांस वाला एमसी स्टैंड, बेकार लग रहा है यार। यो फोटो खिंचाएंगे पहले बोल रहा था सीख लो। तो भाई चाय वगैरह सब कुछ पी लिया, अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। यहाँ कोहरा देखो कितना तगड़ा हो गया, थोड़ी देर रुके कोहरा बहुत तगड़ा हो गया यहाँ पे, और इन दोनों की लड़ाई चल रही बहुत भयंकर। तो भाई अब निकलने का टाइम हो चुका है हमारे, फटाफट से चलते हैं यहाँ से, चाय वगैरह सब कुछ पी पा ली, और अब निकलते हैं यहाँ से नीचे थोड़ा ऑफ रोड करने के लिए जो अपनी फेवरेट जगह है। तो गाड़ी मोड़ते भाई, कोहरा देखो गाइस कितना ज़्यादा हो गया देखो। पहाड़ों में ये इस चीज़ के तो मज़े है भाई, अगर आप पहाड़ में आए हो घूमे हो तो आपने कोहरा नहीं देखा, कोहरा फील नहीं करा, तो मज़ा ही किस बात का। तो गाइस अभी हम इधर से आए, और ये वाली रोड जो है हमारे कोटद्वार के लिए घर के लिए जा रही है, और हम जा रहे हैं अभी ऑफ रोड के लिए। तो ऑफ रोड का सीन देखो कुछ इस तरीके का है, आगे जाके व्यू बहुत तगड़ा है भाई, मेरे को तो आता रहता हूँ यहाँ में तो मेरे को अच्छा लगता है। तो भाई यहाँ पे नहीं रुकेंगे, अभी आगे जाके रुकेंगे हम जहाँ हम पिछले बार गए थे। गाइस आगे चलो भाई लोग, आगे चलो आगे, आगे व्यू बहुत तगड़ा है, यहाँ नहीं रुकने का। तो भाई व्यू देखो यहाँ का अल्टीमेट, देखो ऑफ रोड, देखो गाइस ऑफ रोड, देखो गाइस ऑफ रोड, देखो गाइस मेरी गाड़ी पीछे आ गई, बैग हो गया गाड़ी, रुक जाओ पीछे करके निकालनी पड़ेगी भाई मेरे को, पीछे करके निकालनी पड़ेगी, रुक जा मैं अपना नाम निकालूंगा, रुक जा। लगे तेरे पीछे क्यों आया? अच्छा
एक बारी में निकालूंगा मैं। ओ भाई है पत्थर है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ हो गया बवाल, रुक जाओ अच्छा भाई। गाड़ी देखो कुछ इस तरीके से फंस चुकी है यहाँ पे, टायर पत्थर पर रगड़ी है मेरा, गाड़ी चढ़ने का नाम नहीं ले रही, ऊपर वेट ज्यादा हुआ है गाड़ी पे यार। तुम बैठो कोई नहीं, तुम बैठो पीछे करो से, पीछे खींचनी पड़ेगी भाई, ऑफ रोड करनी है, आज ऑफ रोड का सीन हो गया। रुक जा ना, नहीं टकरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से चढ़ जाएगी मेरे ख्याल से, इधर से ले क्या, वेट ज़्यादा हो गया यार, तो चढ़ाते भाई, चढ़ जाएगी, चढ़ गई, आराम से, पकड़ लो गाड़ी पकड़ लो, टायर स्लिप हो रहा बस उसका, कोई नहीं, फर्स्ट गियर पे रख, टायर स्लिप हो रहा गाड़ी का, ओए नीचे मत देखना वरना मुंह पे पत्थर लगेगा। तो फाइनली गाइस चढ़ चुके तुम्हारे भाई की बाइक ऊपर, और यहाँ पे गंदगी देखो लोगों ने कितनी मचाने की, तो अब दूसरी गाड़ी चढ़ रही है अपनी 310RR, इसका देखते हैं क्या फिर, ये देखो टायर घिस गया मेरा इस जगह पूरा, ये भी लहर रही एक तरफ के लिए। तो भाई लोग अपना चल रहा अभी वीडियो शूट इंस्टाग्राम के लिए रील के लिए, तो फिलहाल हमने जो है यहाँ पे बाइकों का लाइनअप लगा दिया है, और इसके बाद थोड़ा रील वगैरह शूट करते हैं, और व्यू देखो भाई यहाँ का बहुत अल्टीमेट व्यू आ रहा है। तो भाई लोग हमारी रील वगैरह जो शूट होनी थी यहाँ पे शूट हो गई, और हमने ऑफ रोडिंग भी कर ली, अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से क्योंकि बाकी दोस्त लोग चले गए नीचे, तो यहाँ से गाड़ी निकालते फटाफट, फिर मिलते हैं आपको आगे। तो भाई ये देखो आप ढाल कितनी भयंकर है, और यहाँ से गाड़ी ले जानी है मेरे को नीचे के लिए, बस ये है कि कहीं पे गाड़ी लगे ना मेरी, एकदम नीचे ले जाऊं, ये गई नीचे गाड़ी भाई, नीचे गई, चलो भाई निकल गई गाड़ी, चलो। तो देख रहो इस जगह से गाड़ी लेके आया मैं नीचे के लिए अपनी, अब यहाँ से निकलते हैं हम फटाफट से चले। तो ये था भाई कुछ इस तरीके का ऑफ रोड हमारा आज का, तो आगे कहीं रुकेंगे तो फिर वहाँ पर दिखाता हूँ आपको मैं, फिलहाल यहाँ से जो गाड़ी ले जाने का मज़ा है वो बात ही अलग है। चेक करो गाइस कितना प्यारा व्यू है, देखो इधर देखो, चेक करो गाइस कितना प्यारा व्यू है, और तेरी गाड़ी कच्चे में निकल गई थी मेरी, हैंडल निकल गया था साइड, अभी दूसरी जगह ऑफ रोड देखो कैसे तगड़ी हो रही है। ये आ गए भाई हम हाईवे पे सीधे ऊपर, तो ये भाई अपनी गैंग, चले भाई चले, रेडी सेडी गो, पीछे देखो कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, नहीं चलो चलते हैं। तो भाई अब मैं आ चुका हूँ अमसौड़ पे, और अमसौड़ में हमारा जो हमें भाई मिला था अपाची 310R वाला हैशटैग राइडर, इसका घर यहीं पर ही है, तो अभी हमें थोड़ा सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए बोल रहा है, तो यार थोड़ा रुकते हैं, पूछता हूँ ग्रुप से कोल्ड ड्रिंक पीनी नहीं पीनी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियोगे, चलते वहाँ मिलते बाद में, ओके बाय, ठीक है। तो यार अभी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह का ऑफर था वो ठुकरा चुके हैं हम, क्योंकि यार खाने की भूख लगी हुई है तो कोल्ड ड्रिंक पीने का बिल्कुल मन नहीं है, और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जो है पेट भर जाता है, फिर खाना नहीं खाया जाता कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद। तो भाई लोग ऑफ रोड वगैरह करके राइड वगैरह करके मैं आ चुका हूँ अपने शहर कोटद्वार, और अब मैं जा रहा हूँ किसी को पिक करने के लिए, तो भाई मैं फिर मिलता हूँ आपको आगे। तो भाई ड्रॉप कर दिया मैंने, अब मैं चलता हूँ यहाँ से घर के लिए, और भाई लोग आपको आज की मेरी राइड कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और भाई लाइक ज़रूर करना, और यार चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब
ड्राइव करना, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। पर कोई नहीं भाई, मैं कभी चीज़ का ना वो नहीं मानता कि जैसे लोग बोलते ना कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तुम्हारा तो बुरा हो जाएगा। भाई बुरा कुछ नहीं होता, तुम्हारे कर्मों में होता है जो बुरा होना होता है ना। अगर तुम अपने कर्म सही रखते हो, जानवरों की क्या बोलते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हो, जानवरों की सुरक्षा करते हो, जानवरों का इलाज करते हो, कुछ भी करते हो, मतलब जानवरों का मतलब जो बोलते हैं कि सेवा करते हो, तो आपको भाई कुछ नहीं होगा। मेरे ना जाने कितनी काली बिल्लियों ने, कितने इन चीज़ों ने रास्ता काट दिया। अब ये मान के चलो ना कि तुम घर में भी तो बिल्लियाँ वगैरह पालते हो यार, तुम्हारी बिल्ली घर में ना जाने कितने बार रास्ता काटती है, तो क्या तुम्हारा बुरा होता है? नहीं होता ना, वो अपनी मेंटेलिटी है कि यार काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसने रास्ता काट दिया तो मेरा बुरा हो जाएगा। कुछ नहीं होता भाई। तो भाई अपनी सोच सही रखो, आपके साथ कभी कोई बुरा नहीं होगा। और अपना ना सदैव अपने कर्म सही रखो, जैसे आपके कर्म होंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा भाई। तो भाई यही थी आज की मेरी राइड, और आप लोग भाई मेरे को ये बताना कि आपको मेरी ये राइड कैसी लगी। और कमेंट हर बंदा करना भाई, हर बंदा करना कमेंट, क्योंकि यार तुम्हारे भाई को इस टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इस तरीके के ब्लॉग लाता रहेगा। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना सबके सब।